बोल शंकर भगवान की। तू ये तो छील के खाता भाई। ये देखो भाई पूरा हरिद्वार नजर आ रहा है और इधर हर की पौड़ी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और ये पूरा हरिद्वार है भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो तुम्हारे पास आ चुका है अपने इस वेलेबल ब्लॉग में वेलेबल दिख करने अगेन। तो जो भाई 6 दिन काम करने के बाद एक छुट्टी मिली है जिसमें कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। हाँ भाई हरिद्वार जा रहा हूँ, हरिद्वार से फिर मैं ऋषिकेश जाऊँगा। तो इस बार मैं जा रहा हूँ बाई ट्रेन, ठीक है, क्योंकि अभी बॉर्डर सील चल रहे हैं इसलिए मैं बाइक लेकर कहीं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाइक से जाने का प्लान था, ठीक है। तो जो ट्रेन है भाई साहब वो है दिल्ली से लेके मतलब देहरादून चलती है 14001, जिसका नाम है मंसूरी एक्सप्रेस, जो कि 10:20 पे पुरानी दिल्ली से चलती है और 5:50 पे हरिद्वार में छोड़ देगी, ठीक है। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कब तक आती है ट्रेन, ठीक है, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं भाई। ये देखो इधर लगी पड़ी अपनी मंसूरी एक्सप्रेस, ठीक है। तो अभी सॉलिड ट्रैक पे आएगी क्योंकि इस पे भाई अभी पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। तो यही वाली ट्रेन है जो हमें हरिद्वार लेके जाएगी और ये भाई हफ्ते के 7 दिन चलती है दिल्ली टू देहरादून तक। और इसमें भाई पीछे की साइड में 3 डब्बे दिए जनरल के, ठीक है, और एक पीछे लेडीज़ का है, तो भाई वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और रेलवे स्टेशन भी भाई ठीक ठाक खाली है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो आराम से सीट मिल जाएगी भाई। तो भाई फाइनली ट्रेन में तो बैठ चुका हूँ, ठीक है, पूरा अंधेरा हो रहा अभी, ये देखो। और भाई मैं बैठा हूँ खाली सीट पर, अगर ट्रेन खाली रही तो भाई यहीं सो के जाऊँगा सुबह तक। तो भाई फाइनली हमारी ट्रेन टाइमली 6 बजे हरिद्वार पहुँच चुकी है, ठीक है। तो नीचे की साइड हमारी भाई उधर ट्रेन खड़ी है। तो 3 भाई में मिल चुके हैं, ये भी दिल्ली से ही है। तो भाइयों कैसी रही रात? मज़ा आ गया ना, पर यहाँ पे ठंड है। तो भाई मैं तो शर्टी पहन के आया था, पर यहाँ उतरते के साथ में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ठंड लग रही है तगड़ी वाली, लग रही है भाई दिल्ली वाली ठंड आ गई है। जस्ट यहाँ से भी बाहर जाएंगे और जा रहे घाट पे, घाट में जाते थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, बस ये देखना है पानी कितना ठंडा होने वाला है। तो भाई नीचे पहुँच चुके हैं, देखो स्टेशन पे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये रहा अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ठीक, और इधर की साइड भी देख सकते हैं, इस पर लाइटिंग होती थी पर अभी बंद कर रखा है। और ये रहे हमारे महादेव, यहाँ विराजमान है और उधर बैठे हैं, ठीक है। तो बस आप देख सकते हैं सुबह सुबह भाई ये जो हमारी मंसूरी एक्सप्रेस है ये सारी उसी की भीड़ है भाई। तो भाई हरिद्वार की तरफ ना हम बाय वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि ना अभी अंधेरा हो रहा है, जाते जाते थोड़ा उजाला भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको चैंपियन मिल जाएगी जो कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए भी मिल जाएगी इसे आपको। ये देखो भाई हरिद्वार की पहली झलक, पानी देखो भाई कितनी तेजी से आ रहा है, ये देखो भाई सो, और ठंडी ठंडी हवा भी। तो जस्ट ये पुल पार करने के साथ ही घाट पे पहुंच जाएंगे, रास्ता तो यहाँ से भी बना पड़ा है बट हम आगे से जाएंगे। तो भाई फाइनली एक चीज दिखाता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया था, ठीक है, हरिद्वार। ये देखो इस टाइम भाई जो हरिद्वार का पानी ना भाई एकदम बिल्कुल साफ सुथरा एकदम नीला। इससे पहले मैं जितनी बार भी आया ना तो भाई मुझे गंदा मतलब मट्टी वट्टी नजर आती थी, बट आप देख सकते हो भाई साहब कितना नीला पानी और कितना साफ पानी है। अभी ऋषिकेश की तरफ भी चलेंगे, वहाँ भी दिखाता हूँ भाई, वहाँ तो और भी ज़्यादा प्यारा पानी हो रहा होगा। अभी जस्ट हम उसी पुल पे खड़े थे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पानी का कितना बहाव है, अभी भी बहुत ठीक ठाक बहाव है पानी में कि बंदा बह जाएगा। पानी का लेवल भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है ना कि भाई बारिश वारिश होती नहीं है तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे पानी भाई साहब ठीक ठाक भरा पड़ा और काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। आप देख सकते हो कि पानी का बहाव कितनी तेज़ी से बह रहा है, ये देख सकते हो। अगर बंदा को यहाँ फेंको ना देखते देखते वहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा आगे घाट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे जाके स्नान करेंगे क्योंकि जस्ट उजाला हो ही चुका है, ठीक है। तो फटाफट स्नान करेंगे, उसके बाद फिर दर्शन करके फिर निकलेंगे ऋषिकेश। जहाँ भाई आरती होती है तो वहाँ उधर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, वहीं जाके स्नान करेंगे क्योंकि वहाँ पे मंदिर है और ठीक ठाक क्राउड भी आता है। मैं दिखाता हूँ चक्कर,
ये देखो है ना बहुत ही प्यारा। ये देखो भाई साहब एकदम नीला नीला पानी, भागी रहती सेतु। और ठीक ठाक भाई भीड़ हो चुकी है, मतलब सुबह के हिसाब से तो ठीक है भीड़, देख सकते हो उधर की साइड जहाँ भी हम स्टार्ट में आए थे पूरा खाली सा था। और सामने भाई हमारे सूरज चाचा धीरे धीरे निकलते हुए बाहर। और ये देखो भाई धनुष के कार का यहाँ पुल बना रखा है, बिल्कुल धनुष जैसा, धनुष ही है एक तरह का। और हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं नहाने के लिए भाई साहब। और ये देख सकते हो भाई साहब सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7:19 हो रहे हो। ये देख सकते हो भाई साहब कितना प्यारा व्यू है। तो भाई घाट पे आ चुके ठीक है। तो भाई जो तीन भाई मिले थे उसमें से ना दो बंदे गए नहाने के, क्योंकि दो दो करके नहाएंगे ठीक है, बाकी मैं और भाई रुक गए हैं। मैं हम दो भाई आराम से नहाएंगे, पहले दोनों भाई गए। कैसा है पानी, मजा आ रहा है? ये देखो भाई दोनों भाई गए अभी, ओ एक डुबकी लगी। और देख सकते हो भाई यहाँ पे सारे बंदे नहा रहे हैं ठंडी के टाइम में भी, कांपते कांपते। ये देख सकते हो भाई साहब, और मेरा भी नंबर आएगा ठीक है। तो भाई एक भाई तो नहा के आ गया, दूसरा भाई गया, दूसरा भाई कपड़े चेंज कर रहा है ठीक है। तो भाई मैं जा रहा हूँ अंदर ठीक है। ये देखो भाई साहब मस्त इंजॉय कर रहे हैं भाई। ठंडा लग रहा है अब नहीं लग रहा? ओ ये देखो भाई सब फुल मजे है भाई, फुल मजे। मैं भी जाता हूँ। तो भाई फाइनली जा रहा हूँ मैं अंदर ठीक है। बोल शंकर भगवान की। तो भाई साहब पानी इतना ठंडा है ना, तो देख सकते हो मेरे मुझे भाप निकल रही है, नीचे का जितना शरीर पानी के अंदर था ना भाई पूरा सुन पड़ेगा ना। मजा बहुत मजा आया भाई को, तो पहले डर लग रहा था कि ठंड लग रही है, बहुत सही है भाई। पर भाई कुछ भी हो सबसे ज्यादा तो भाई रहा अंदर, मजा आया ना, बहुत मजा आया भाई साहब, मजा खड़े हो जाते हैं, फटाफट कपड़े पहनते हैं, दर्शन करते हैं और पीछे की साइड मनसा देवी है, भाई भी चलते हैं। भाई साहब नहा लिया है ठीक है, कान में पानी भर चुका है, पूरी आवाज़ बस सब बैठ चुकी है, इतना ठंडा पानी था। और ठीक ठाक और पीछे भी सूरज निकल रहा है देख सकते हो ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, आप देख सकते हो मनसा देवी सामने, देखो आपको मनसा देवी में जा रही होगी, तो वहाँ जा रहे हैं हम पीछे ट्रैक करके ठीक है। और ये पूरा घाट है भाई साहब देख सकते हो, वहाँ पे भाई ठंड है पर मज़ा आ रहा है नहाने। और सामने का व्यू चेक कर सकते हो, ये देखो भाई सूर्य देवता भी बाहर निकलते हैं हमारे। ये है भाई साहब, ये देखो भाई साहब ये है रास्ता मनसा देवी का ठीक है। ये है भाई रास्ता, चलो आ जाओ भाई। ये वाला ट्रैक है जो हरिद्वार को जा रहा है। और भाई चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है अभी 10-12 सीढ़ी चढ़ी होगी, हालत खराब होने अभी तो काफी और जाना है भाई। ये देखो मार्केट अभी थोड़ी सी बंद बंद है, ट्रॉली दूसरी साइड से है, थोड़ी दूसरी साइड से जाती है, मार्केट अभी बंद है भाई, मतलब जल्दी है हम अभी। ओ तेरी हालत होने वाली है खराब भाई, अभी तो थोड़ा सा चल के आए, सांस फूल गई सारे भाइयों की। नीचे से तो पास लग रहा था, ऊपर से काफी दूर लग रहा है, वो देखो भाई भी कहाँ पे है। अभी पूरा यहाँ से सर्किट कंप्लीट करके ऊपर घूम फिर के जाना है। तो ऐसे ही भाई जैसे ही रेस्ट ले लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलेंगे और रेस्ट लेते हुए चलेंगे। तो भाई देखो उतरा, मतलब ये हरिद्वार के नियरेस्ट जो आप घूम सकते हो वहाँ पे दे रखा है ठीक है, 4-5 चीजें जो आप विजिट कर सकते हो। ये देखो
तो भाई जो मनसा देवी मंदिर है ना, तो मनसा देवी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भाई जो मतलब यहाँ जो आते हैं उन सबकी सारी मनसा पूरी करते हैं, इसलिए इसको मनसा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे भाई जो एक इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ जो केबल कार चलती है इसकी वजह से भी यह मनसा देवी जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ से जो पूरा हरिद्वार का व्यू नज़र आता है। पूरा खाली खाली था, ठीक है, क्योंकि सुबह टाइम था, सुबह तो खाली रहता ही है, जितना लेट आओगे उतनी भीड़ मिलेगी। तो दोबारा हम जा रहे हैं पैदल और सामने एक लोकेशन दिखाता हूँ, अभी हम वहाँ जाके थोड़ी बहुत फोटो शूट कराएंगे, बाकी इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा फॉग है तो अभी कुछ साफ दिख नहीं रहा, वरना मैं आपको पूरा हरिद्वार दिखाता हूँ। सामने मनसा देवी मंदिर, ठीक है, तो जस्ट इसके सामने ये मिट्टी का छोटा सा पहाड़ बना हुआ है और पीछे भाई साहब ये देखो भाई कितनी पतली सी सड़क है और बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और यहाँ बंदे आ रहे हैं भाई साहब ठीक ठाक ना एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पर यहाँ के जो ना रास्ता बड़ा ख़राब है, फिसलन बहुत है। और मंदिर देखो भाई, और अभी ना थोड़ी थोड़ी फॉग हो रही जिसके कारण ना भाई पूरा विजिबल नहीं हो रहा हरिद्वार, अगर ये फॉग नहीं होता ना भाई तो पूरे हरिद्वार नज़र आती है यहाँ से। देखो अभी थोड़ी फॉग है ना इसकी वजह से भाई दिख नहीं रहा, वरना भाई साहब बहुत प्यारा भी नज़र आता है यहाँ से हरिद्वार का। कोई नहीं भाई, अब नीचे उतरेंगे, ठीक है, भूख लग रही है, खाएंगे की भूख भी लग रही है, 9:30 बज चुके हैं, खाए पिए आएंगे, एक बार भी चेक करो भाई चारों तरफ है ना। बस ये देखो भाई पूरा हरिद्वार नज़र आ रहा है और इधर हर की पौड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, और ये पूरा हरिद्वार है भाई, चेक कर सकते हो। धीरे धीरे विजिबिलिटी फॉग कम हो रहा है ना तो दिखते जा रहा है, मैं इससे पहले तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये देखो और जस्ट ऊपर ही चंडी देवी है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा साफ दिख रहा है क्योंकि पेड़ वेड़ है नहीं, ये देख सकते है ना। ये देखो भाई वहाँ भी जस्ट वही नहा के निकले थे घाट पर, देखो आप सबको दिख रहा होगा कितनी भीड़ हो रही है। ये देखो भाई इतने छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि भाई ठीक ठाक ऊंचाई पे हैं। और भाई यहाँ डोरेमोन अपना गेट भूल गया है, एनीवे डोरेस का यहीं रह गया डोरेमोन का मना कर रहे हैं, वो बंसिंग वाली कह रहे हैं उधर मत खिलाओ, सारे हमें खिलाओ। ओहो खा गया, ओहो खा गया छोटे वाले, ओहो इनको पकड़ के लाया, आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ। अरे वो खिला रहे थे उनको तो खिला लेने देता भाई, पकड़ के लाया उनका हाथ हाथ पैर दोनों हाथ रोक रखा है। देखो क्या लड़ाई होगी, वो क्या हो गया, वो चलो चलो चल चल चलो 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 पूछ पे पैर मत रखना, पप्पी डर जाएगा वरना। चिकल क्यों खाएंगे, तू चिकल खाता है, तू भी तो छील के ही खाता है भाई। आ वो झूला दीदी, वो देख उधर है कैमरा, ठीक है ना भाई, जब तक खाएगा बैठा रहूंगा क्या, मैं तो तो भाई 1500 चने खिलाने के बाद तो भाई हम भी टूट पड़े खाने पे, क्योंकि लग रही थी भूख सबसे ज़्यादा भाई को लग रही थी। हाँ तो भाई अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रेफर करना कि थाली लगवाना है, क्योंकि भाई ठीक ठाक आपका इसमें पेट भर जाता है, ठीक है। तो इसको खाना फिनिश करने के बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्ट मंदिर, तो डेट मिलते हैं आपको डायरेक्ट मंदिर पे। तो भाई चंडी देवी रिक्शा पकड़ लिया हमने, चंडी देवी जा रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। वही देखो भाई साहब पूरी सूखी पड़ी है नदी, तो भाई फाइनली चंडी देवी पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ से एंट्रेंस गेट है पैदल वाला,
तो यहाँ भाई पूरा ये लॉक लगा रखा है, चेक कर सकते हो। तो भाई 11 बज चुके हैं और हमें 1:30 बजे ट्रेन भी पकड़नी है, ठीक है। तो फटाफट हमें दर्शन करके आने पड़ेगा, नींद तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मोए मोए हो जाएगा। बाकी तो भाग रहे हैं, मेरे से भागा नहीं जाएगा, पर कोई नहीं, फटाफट चलते हैं भाई। और भाई ये पूरा जो एरिया है ना, राजी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है भाई ये पूरा। यहाँ पे भाई जंगल सफारी भी होती है, शेर वेर भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ शेर आते रात में ना, जंगली जानवर भी मिल जाते देखने को। तो दिन का टाइम है, दिन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, रात में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई फाइनली पहुँच गए मंदिर के अंदर, देख सकते हो हफ्ते उफते पहुँच गया, टाइम लगा पर भाई पहुँच गया। मंगलवार खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। फाइनली भाई बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो 12 बज चुके हैं, तो हम फटाफट नीचे जा रहे हैं क्योंकि भाई साहब अपनी 1:30 बजे ट्रेन स्टेशन चले जाएगी, खुल जाएगी, मतलब 1:30 बजे का टाइम है, तो इसलिए भाई हम फटाफट जा रहे हैं। तो भाई फाइनली भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये है बांद्रा एक्सप्रेस जो कि हमें 6:40 पे निजामुद्दीन एक्सप्रेस छोड़ देगी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं दोबारा मैसूर एक्सप्रेस पकड़ के जाऊँ दिल्ली जो सुबह, पर मैंने कहा यार ज़्यादा थकान होगी क्योंकि मैं मंदिर चले गया, तो इसलिए मैं गया नहीं, तो जा रहा हूँ घर। ट्रेन में बैठ चुका हूँ, मैं इधर बैठा हूँ और दिखाता हूँ भाई भी कहाँ बैठे हैं। तो दो भाई भी यहाँ बैठ चुके हैं, एक भाई नीचे बैठा है। हाँ तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक।